हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आज बनाने जा रही हूं एक और नई डिजाइन का डोरमेट इससे आप टेबल मेट भी बना सकते हैं या पूजा का आसन बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए मैंने दो कलर की भूल ली है आप इसको साड़ी या चुन्नी से भी बना सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ये देखिए सबसे पहले मैं इसमें फंदे लूँगी फंदे बिल्कुल सिंपल ले रही हूँ जो बिगनर्स भी डाल सकते हैं फंदे आप अपने हिसाब से ले सकते हैं तो यहाँ पे हम फंदे ले लेते हैं ये देखिए यहाँ पे हमने उनतीस फंदे ले लिए हैं और आप इसको उनतालीस फंदे का भी बना सकते हैं उनहत्तर फंदे का भी बना सकते हैं उन्यासी फंदे का जितना बड़ा आपको चाहिए उस हिसाब से फंदे आपके ऐसे ही होने चाहिए तो हम फर्स्ट रो यहाँ पे उल्टा बनाएंगे ऐसे पूरी रो हम लास्ट तक उल्टा बुनते हुए जाएंगे ऐसे ये देखिए एक रो हमने यहाँ पे उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर ली और देखिए अब हम यहाँ से पलट लेंगे और इस फंदे को हम उतार लेंगे ऐसे बुल को अपने तरफ करेंगे अब यहाँ से हम ये दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह फंदे हमने यहाँ पे बुने और देखिए यहाँ पे हम नौ फंदे में डिजाइन स्टार्ट कर रहे हैं अगर आपने यहाँ पे उनतालीस फंदे लिए हैं तो आप ये डिजाइन ग्यारह फंदे से स्टार्ट करेंगे इस तरह से आप और ज्यादा फंदे लेंगे तो उस हिसाब से इसके तेरह फंदे से कर सकते हैं और पंद्रह फंदे से ये डिजाइन स्टार्टिंग में ही आपको ये फंदे एडजस्ट करने होंगे उनसठ लिए हैं तो आप पंद्रह फंदे कर लीजिए इस तरह से फंदे इसमें डिजाइन में बढ़ जाएंगे तो आपका डोरमेट काफी बड़ा बन के कम्प्लीट होगा ये देखिए यहाँ तक हमने ये बना लिए अब इधर के बारह फंदे हम येलो से बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह ये देखिए इस तरह से देखिए यहाँ पे ये यह डिज़ाइन कंप्लीट हो गई सीधे साइड जो जैसा है उसको हम बना के दिखाएंगे इधर की रो हमने कंप्लीट कर ली अब देखिए ये फ्रोजी वाले हम एक एक दोनों तरफ से येलो से बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ से हम इस फंदे को उतार के दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह अब एक फंदा हम ये फ्रोजी वाला येलो से बना लेंगे उसके बाद देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात यहाँ पे एक हम इधर कर लेंगे अब देखिए, यहाँ से हम ये वाले फंदे पूरा उल्टा बनाते हुए और इधर की रो पूरा करेंगे ये देखिए इधर की रो हमने कंप्लीट कर ली जो जैसा था और उल्टे तरफ से हमने ये वाले फंदे बना लिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह फंदे ये देखिए एक एक फंदा येलो से हम करते जाएंगे ये देखिए उसके बाद देखिए एक दो तीन चार और पाँच अब हम यहाँ से ऐसे इधर से कर लेंगे अब देखिए हम ये रो उल्टे तरफ से कंप्लीट करने के बाद इधर से भी हम पूरा कर लेंगे और हम यहाँ तक बना लेंगे उल्टी तरफ से ये देखिए यहाँ पे हमने सीधे तरफ से रो कंप्लीट किए और यहाँ से देखिए हमने ये वाले फंदे भी येलो से बना लिए उल्टे तरफ से अब हम एक फंदा इसका फिर से बना लेंगे और यहाँ से देखिए एक दो तीन तीन फंदे मेरे पास रह गए एक फंदा हम इस साइड में भी ऐसे कर लेंगे तो देखिए अब हम ये रो पूरा करेंगे इधर से सीधे तरफ से भी ये देखिए सीधे तरफ से हमने रो कंप्लीट कर ली और उल्टे तरफ से ये वाले फंदे हमने बना लिए अब एक फंदा हम वापस फ्रोजी वाला येलो बनाएंगे अब एक मेरे पास ये फ्रोजी से रह गया और देखिए इधर को भी बना लिया हमने एक अब हम इ रो उल्टी तरफ से कंप्लीट करेंगे सीधे तरफ से करेंगे फिर हम आपको आगे का दिखाते हैं ये देखिए इस तरह से यहाँ पे एक डिजाइन डल के कंप्लीट हो गई हमने सीधे साइड से रो कंप्लीट की अब देखिए हम यहाँ पे दूसरी डिजाइन डालेंगे तो देखिए ये देखिए नौ फंदों में हम इधर डिजाइन डालेंगे नौ में इधर डालेंगे यहां से हम पलट लेते हैं तो इसको हम उतार लेंगे यहाँ से दो तीन चार पाँच छ सात सात फंदे हमने बुने तीन और तीन छः तीन नौ नौ फंदे हमने ऐसे करके फ्रोजी से बना लिए एक थोड़ा सा हम इसे लूज रखेंगे ताकि यहाँ पे ये खिंचा खिंचा ना रहे दो और देखिए इसको हम ऐसे कर लेंगे तीन चार पाँच छ सात और देखिए आठ और नौ ये देखिए नौ फंदे हमने कर लिए अब एक फंदा जो फ्रोजी था उसको हमने येलो कर लिया अब इधर से भी हम सेम डिजाइन डालेंगे तो यहां से एक दो तीन इसको हम ऐसे करेंगे चार पांच छ सात आठ नौ ये देखिए अब यहाँ से देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात सात फंदे हमारे पास इधर हैं सात ही इधर बचे देखिए अब हम इधर की रो कंप्लीट करेंगे ये कलो और ये वाले ये लो ये वाले पूरा फ्रोजी ये देखिए इधर की रो कंप्लीट कर ली अब हम पलट लेंगे अब देखिए हम यहाँ से एक एलो करेंगे इधर से दोनों साइड से इस साइड से एक तो देखिए यहाँ से हम इसको उतारेंगे बोल अपने तरफ दो तीन चार पाँच छ सात एक फंदा हम वाला येलो बना लेंगे उसके बाद देखिए एक दो तीन चार पाँच छ और सात ये देखिए अब देखिए बीच में एक येलो था अब तीन येलो हो जाएंगे मेरे पास ऐसे देखिए दोनों तरफ से हमने एक एक कर लिया अब यहाँ से देखिए हम एक दो तीन चार पाँच छ सात अब एक हम इधर से कर लेंगे और देखिए यहाँ से हम पूरे फंदे येलो बुनेंगे और इस साइड में जो जैसा है सीधे साइड में उसको कम्प्लीट करें इधर की रो हमने कम्प्लीट कर ली अब हम इसको यहाँ से इस फंदे को उतारेंगे बुल अपने तरफ करेंगे यहाँ से देखिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ एक फंदा फ्रोजी वाला हम बना लेंगे येलो से उसके बाद हम यहाँ से एक दो तीन चार पाँच और एक हम इधर से देखिए ऐसे एक दो तीन चार पाँच ऐसे देखिए अब यहाँ से हम ये वाले बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच एक हम इधर येलो बना लेंगे उल्टे तरफ से ऐसे और ये वाली रो हम कंप्लीट करेंगे उल्टे तरफ से और सीधे तरफ से जो जैसा है उसको बनाएंगे इधर की रो हमने कंप्लीट कर ली अब हम यहाँ से देखिए इस फंदे को उतारेंगे भूल अपने तरफ दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ अब एक हम फ्रोजी वाले में से येलो बना लेंगे उसके बाद देखिए यहाँ पे एक दो तीन तीन फ्रोजी रह गए मेरे पास अब यहाँ पे देखिए एक दो और तीन तीन हमने येलो बुने अब देखिए जो सेंटर वाला फंदा है उसको हम फ्रोजी से बना लेंगे ऐसे एक अब तीन हमारे पास इधर भी आ जाएंगे दो और तीन अब यहाँ से देखिए एक दो तीन अब एक हम इधर येलो कर लेंगे और देखिए इधर की रो हम बनाते हुए सीधे तरफ की भी कंप्लीट करके फिर दिखाएंगे ये देखिए यहां पे हमने कर लिया उसके बाद हम ये फंदे बनाएंगे ये रो कंप्लीट कर ये देखिए यहाँ पे सीधे तरफ से हमने रो कंप्लीट कर ली उल्टे तरफ से हमने ये वाले फंदे बना लिए अब यहाँ से वापस हम एक फंदा फ्रोजी वाला येलो कर लेंगे एक मेरे पास ये रह गया अब यहाँ से देखिए एक इधर से कर लिया अब दो तीन अब तीन इधर आ गए अब तीन बीच में आ जाएंगे फ्रोजी के सेंटर का एक इधर का हो जाएगा एक उधर का ये देखिए तीन आ गए अब हम यहाँ से एक दो और एक इधर से ले लेंगे तीन अब हम एक यहाँ पे फ्रोजी बुनेंगे उसके बाद हम येलो बुनेंगे इधर की रो हम ये कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे जो जैसा है उसको हम यहाँ तक बनाएंगे फिर हम दिखाते हैं यहाँ तक हम बना लेते हैं ये वाली रो ये देखिए इधर की रो हमने कंप्लीट कर ली इसी के साथ ये वाली डिजाइन भी कंप्लीट हो गई तो यहाँ पे एक और दो दो डिजाइन कंप्लीट हो गई अब हम तीसरी डिजाइन डालेंगे तो यहाँ से देखिए हम दो फंदे बुनेंगे सिर्फ एक उतारेंगे और एक बुन लेंगे अब यहाँ से देखिए हमारे पास नौ फंदे होने चाहिए तीन और तीन छः तीन नौ यहाँ से हम इसको ऐसे लेंगे बुल को एक दो इसको हम साथ में ले जाएंगे तीन और देखिए इसको हम ऐसे कर देंगे ताकि उल्टी तरफ धागा लंबा ना रहे ऐसे ये यह देखिए यहाँ से हम देखिए पाँच छ सात इसको ऐसे आठ और नौ अब देखिए ये वाला जो फ्रोजी है ये डिजाइन के एंड वाला इसको हम येलो बना लेंगे ऐसे तो आप यहाँ से देखिए ये तीन फंदे हमने बना लिए येलो के अब यहाँ से देखिए एक दो तीन चार और पाँच एक इधर से बना लिया अब इधर का जो एंड का है वो भी हम इसी से बना लेंगे देखिए तीन हो गए अब यहाँ से हम नौ फंदे बनेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ ये देखिए नौ बनाने के बाद हमारे पास लास्ट में इधर भी दो फंदे येलो के बचे हैं ये देखिए इस तरह से अब देखिए तीसरी ये वाली डिजाइन कंप्लीट होगी अब तो यहाँ से अब हम पूरी रो कंप्लीट पहले करते हैं ये देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर ली अब देखिए हम यहाँ से फ्रोजी में से एक एक फंदा येलो का बढ़ाएंगे इस साइड से इधर से बढ़ाएंगे और यहाँ से देखिए इस साइड येलो बढ़ाते हुए जाएंगे और यहाँ पे दोनों साइड हम एक एक फंदा फ्रोजी का बढ़ाते हुए जाएंगे तो लास्ट में जब हमारा फ्रोजी का ये ऐसे घटाते हुए एक फंदा रह जाएगा ये वाले फंदे फ्रोजी के बढ़ते रहेंगे इस साइड से और इस साइड से और ये वाला इधर से कम होगा और एक इधर से कम होगा तो ये एक जब रह जाएगा जब हम आपको दिखाएंगे बिल्कुल आसान तरीका है जैसे हमने बताया है वीडियो में उसी तरीके से तो आप कंप्लीट कर लीजिए मैं भी कर लेती हूँ ये देखिए इस तरह से हमने ये वाली डिजाइन को पूरा कर लिया इधर से इधर को ले गई इधर से इधर को तो यहाँ पे मेरे पास एक फंदा बचा एक यहाँ पे और ये वाले फंदे देखिए बराबर बढ़ते हुए गए हैं तो यहाँ पे देखिए दो चार छः आठ दस बारह और एक तेरह तेरह फंदे फ्रोजी के बीच में हो गए अब देखिए हम ये वाली डिजाइन अंदर के साइड लाएंगे और यहाँ पे एक एक फंदा फ्रोजी से बढ़ाएंगे तो क्योंकि हमें इस डिज़ाइन को अभी हम ऐसे ले गए अब अंदर के साइड ले जाएंगे तो यहाँ से देखिए ऐसे ये देखिए दो तीन चार पांच पांच फंदे बुने अब हम देखिए जो एक फंदा मेरे पास बचा है यहाँ पे अब हम ये एक ये दो और तीन तीन फंदे हमने कर लिए अब देखिए ये वाला जो चौक बन रहा है इसको हम यहाँ से ऐसे मोड़ना शुरू करेंगे अंदर के साइड दोनों तरफ से तो यहाँ से देखिए तीन फंदे ये हो गए अब यहाँ से एक दो और तीन उसके बाद हम यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह फंदे बुने अब हम एक इस साइड से भी ये देखिए यहाँ से येलो से बना लेंगे ऐसे एक दो और तीन अब ये वाला जो है यहाँ पे हम देखिए एक दो और एक यहाँ से देखिए ऐसे तो ये तीन फंदे मेरे पास होगा इस रो में फ्रोजी के ये रो हम कंप्लीट करेंगे इधर की ऐसे और देखिए इस तरह से अब आप देख सकते हैं यहाँ से ये वाली डिजाइन इधर को डलने लगी अब हम देखिए इसको तो हम अंदर के साइड लाएंगे एक एक फंदा फ्रोजी को और यहाँ पे तीन फंदे मेरे पास हैं एक एक हम बढ़ाते हुए जाएंगे जब तक ये नौ फंदे नहीं हो जाते हैं तब तक हम आपको ऐसे ही बना के फिर हम दिखाएंगे। पहले हम बना लेते हैं दोनों तरफ एक एक फंदा ये बढ़ता जाएगा ऐसे अगली रो में पांच हो जाएंगे और ये वाले यहाँ से येलो के अंदर के साइड आते जाएंगे दोनों तरफ से सिर्फ इन्हीं फंदों को बढ़ाना है आपको तो हम बढ़ा लेते हैं फिर हम आपको आगे का दिखाते ये देखिए हमने इस तरह से ये वाले फंदे नौ कर लिए और ये वाले फंदे दोनों तरफ से घटाते हुए गई हूँ मैं अब देखिए हम यहाँ से इन फंदों को येलो से बना लेंगे ऐसे ये देखिए दो रह गए मेरे पास यहाँ पे येलो उसके बाद देखिए तीन चार पांच छ सात आठ देखिए छ हमने इसमें से बुन लिया दो मेरे पास थे पहले से सात आठ इसमें देखिए इस तरह से ये वाले फंदे हमने नौ जो थे ये भी कर लिए येलो से ये देखिए अब ये वाला फंदा हम फ्रोजी बना लेंगे क्योंकि हमें अब ये वाली डिजाइन डालनी है ये देखिए ये वाली जो थी वो मैंने सेम डाल ली है अब ये वाली स्टार्ट करनी है। तो, है तो हमने ये नौ फंदे येलो कर करने के साथ ये वाला फंदा हमने फ्रोजी बना लिया इस साइड में भी हम ऐसा ही करेंगे तो यहां से देखिए अब एक दो और एक हम इधर से लेंगे तीन ये वाले फंदे ऐसे ही रहेंगे अब यहाँ पे एक दो तीन ये देखिए अब हम एक इधर से कर लेंगे येलो फ्रोजी और देखिए तीन फन बना लिए अब देखिए ये नौ से पहले फंदा है जो वो हम एक फ्रोजी बना लेंगे ऐसे और ये वाले जो नौ फंदे हैं इनको हम येलो बना लेंगे दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दो हम ये वाले बना लेंगे ये देखिए इस तरह से अब देखिए ये देखिए इस तरह से ये वाली डिजाइन आ गई अब ये वाली स्टार्ट हो गई यहाँ से तो अब हम यहाँ से ये रो कंप्लीट करेंगे और देखिए हम ये वाले फंदे जो हैं एक एक तरफ से हम ऐसे बढ़ाते हुए जाएंगे फौजी के ये वाले और ये ऐसे तीन तीन कर तीन कर देंगे फिर पांच फिर सात फिर नौ दो दो फंदे बढ़ाते हुए इनको हम जाएंगे तो और ये वाले फंदे हम बराबर घटाते हुए जाएंगे देखिए एक फंदा ये फ्रोजी का हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे ये येलो आ जाएंगे फिर ऐसे तो हम इनके हम नौ फंदे करके फिर हम दिखाते हैं सेम बनाना है ये देखिए इस तरह से हमने नौ फंदे फिर से ये फिरोजी के कर लिए एक से स्टार्ट किया दोनों तरफ से एक एक बढ़ाते हुए गई हूँ नौ फंदे हो गए और ये वाली डिजाइन देखिए एंड पे आ गई एक फंदा मेरे पास येलो का रह गया देखिए जैसे हमने यहाँ से ये करा था अब ये वाली डिजाइन स्टार्ट होगी ये ये वाली खत्म हो गई और ये वाली डल के ये दो डल गई हैं तो अब यहाँ पे हम ये वाली डिजाइन डालेंगे और इनको एंड करेंगे अब देखिए यहाँ से हम ये फंदे येलो हैं उनको बुनेंगे पहले तीन चार पाँच छ सात सात फंदे बुने अब ये वाले नौ फंदे हम इनको भी येलो से ही बना लेंगे और इस वाले धागे को हम साथ में ले जाएंगे ऐसे ये देखिए ये नौ फंदे हम बना लेंगे ये देखिए अब सेंटर का जो फंदा है यहां पे हमें लास्ट डिजाइन डालनी है तो यहां पे हम एक फ्रोजी बना लेंगे और इधर के सभी फंदे हम इसी कलर से बनाते हुए जाएंगे लास्ट तक ये देखिए ये देखिए इस तरह से हमने सभी फंदे येलो से बना लिए हैं यहाँ तक पूरी रो ये बना लेंगे हम और देखिए ये वाला फंदा एक है मेरे पास अगली रो में हम तीन करेंगे फिर हम पांच करेंगे सात नौ नौ तक हम इसको बनाएंगे तो ये इस तरह से यहाँ पे बन के कम्प्लीट हो जाएगा तो हम इतना ये बना लेते हैं फिर दिखाते हैं ये देखिए यहाँ पे हमने नौ फंदे फ्रोजी के कर लिए और लास्ट डिजाइन बन के कम्प्लीट हो गई जैसे हमने ये यहाँ से स्टार्ट किया था ठीक वैसे ही यहाँ पे आ गया अब हम सारे फंदे येलो से बुनेंगे एक रो इधर से और एक इधर से जैसे हमने यहाँ पे ये एक रो इधर से बनाई थी उसी तरीके से तो अब हम यहाँ से ये देखिए यहाँ तक हमने ये बना लिए और ये फंदे हम येलो से बना लेंगे सभी फंदे इस रो में मेरे पास येलो आ जाएंगे ये देखिए आप स्टार्टिंग में और एंडिंग में ये रो ज़्यादा डाल सकते हैं मैंने ये एक ही रो डाली है तो यहाँ पे हम ये रो कंप्लीट करेंगे एक इधर से करेंगे ये देखिए इधर से हमने रो कंप्लीट कर ली अब हम इधर से सभी फंदे बंद कर देंगे और फंदे आपको मीडियम करने हैं बंद बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बहुत ज़्यादा लूज नहीं ये देखिए जितने आपने यहाँ पे ये चौड़ाई रखी है उसी हिसाब से इस साइड में आपका ये आना चाहिए ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए टाइट होगा तो छोटा हो जाएगा लूज होगा तो बड़ा हो जाएगा इस साइड में तो हम इस तरह से मीडियम इनको बंद कर रहे हैं तो हम कर लेते हैं